अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम आपको बहुत ही ख़ास जगह लेके आए हैं। ये है सऊदी अरब का बॉर्डर विद जॉर्डन। ये है इस यानी अब शहर का नाम है ये हाकल, और जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे सामने बिल्कुल इज़राइल है, और एक साइड पे बिल्कुल इजिप्ट है, सामने जॉर्डन का बॉर्डर है, और मैं ये सऊदी अरब के लास्ट कॉर्नर में खड़ा हूँ। ये जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है ये रोड है, सिर्फ आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको भी नहीं अब जाए वो चेक पॉइंट नज़र आएगी, जहाँ पे मैंने ये अभी कैमरे को जूम इन कर रहा हूँ, ये आपको चेक पॉइंट नज़र आएगी जहाँ से आप जहाँ जॉर्डन एंटर हो सकते हैं। वो सामने बिल्कुल इज़राइल इस साइड पर मतलब जो है वो जॉर्डन, और ये वाली जो पहाड़ी की इस तरफ नज़र आ रही है ये बिल्कुल इजिप्ट है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक मतलब जो है वो ये जगह है, और ये ट्रायंगल बन रही है बेसिकली, और ये पानी का आप देख सकते हैं, मैंने तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा खूबसूरत और मतलब जो है वो क्लियर पानी देखा है। और पानी के डिफरेंट शेड्स हैं यहाँ पे, आपको ये ब्लू नज़र आएगा, ये ग्रीनिश नज़र आएगा, और बिल्कुल मतलब जो है वो क्रिस्टल कलर का पानी नज़र आएगा। मैं थोड़ी देर में भी पानी के पास जा रहा हूँ, फिर आपको मज़ीद क्लियर व्यूज़ का नज़र आएगा कि पानी कितना शफाफ है। और यहाँ पे फिर मतलब अथॉरिटीज़ को भी जो है वो दाद देनी बनती है कि उन्होंने पानी को मतलब इस तरह साफ़ रखा है, उसमें कुछ ही किस्म की बिल्कुल इम्प्योरिटी शामिल नहीं हो रही, आलूदगी शामिल नहीं हो रही, सीवरेज का वाटर नहीं शामिल हो रहा। हमारा सबसे बड़ा मसला है सीवर वाटर का। मैं कराची सी व्यू गया था तो आई कॉन्ट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस, के कितना शॉर्ट एक्सपीरियंस था। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको खूबसूरत पानी, और सबसे बड़ी बात है कि अभी सऊदी अरब में चल रहा है जुलाई का मंथ था, और बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी थी। रियाद में तो स्पेशली मतलब जब गर्मी ज़्यादा, और यानी मतलब जब खूबर वाली साइड पे तो फिर वो भी फिर ऐड हो जाती ह्यूमिडिटी। लेकिन यहाँ पे गर्मी होने के बावजूद, यानी सी साइड होने के बावजूद मौसम बहुत ठंडा है, और यानी अब जब ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, बस बिल्कुल फील नहीं हो रहा आपको। चलें, अब हम जा रहे हैं पानी के बिल्कुल पास में। आपको ये देखें, ऐसा ऐसा क्रिस्टल क्लियर पानी आपने कभी देखा है? मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत पानी का शेड्स हैं, और तीन चार शेड्स हैं यहाँ पे, आपको ये क्रिस्टल मतलब क्लियर नज़र आ रहा है। इससे थोड़ी दूर पानी का शेड एक्वा कलर का है, और फिर लाइट मतलब जो है वो ग्रीनिश कलर का शेड भी है। बहुत खूबसूरत जगह है, और अगर आपका चक्कर लगे तो आपको मतलब ये यहाँ पे लाजमी आना चाहिए। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, यानी अब जाइए तबूक से जो है ये 2.5 घंटे का फासला है। आप पहले मतलब आएंगे वहाँ पे, आएंगे तबूक आएँ वहाँ पे रात को मतलब जो स्टे करें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ हाकल में। और ये हम मस्जिद पानी के पास जाते हैं, बहुत खूबसूरत पानी है, और लाजमी विज़िट करें। ये सऊदी अरब के एरियाज़ हैं जो बहुत कम लोग आते हैं इधर। हमें भी किसी तरह गाइडलाइंस मिली थी कि ये एरिया बहुत खूबसूरत है, और ये गल्फ ऑफ अकाबा लाजमी देखना चाहिए। और अभी तो खैर यहाँ पे नियोम बन रहा है, नियोम जो है यहीं बन रहा है, और मतलब जो है वो रेड सी प्रोजेक्ट भी यहीं बन रहा है, तो इस इलाके की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगने वाले हैं। यहाँ पे वो रिजॉर्ट्स बन रहे हैं बहुत महंगे किस्म के, और चीज़ें बन रही हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है, मस्ट विजिट प्लेस। लाजमी आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, फैमिली जगह है। यहाँ पे आपको बहुत महंगे नहीं हैं, आपको मतलब है ना वो रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, ये आपको आपको रूम भी मतलब अवेलेबल हैं। यहाँ नहीं है तो दूबा चले जाएँ, लेकिन ये है मतलब जो ये हाकल नाम है इसका, HAQL, ठीक है, अरबी मतलब जब हागल कहते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत और ये मस्ट विजिट मतलब जो ये प्लेस है। जस्ट लुक एट दैट कलर एंड आल्सो द क्लैरिटी ऑफ वाटर, माई गुडनेस, आई कॉन्ट बिलीव दैट सच थिंग्स आर अवेलेबल। मतलब इतनी क्लैरिटी, इतना खूबसूरत पानी के शेड्स, दिस इज जस्ट अमेजिंग। ये डॉगी भी इंजॉय कर रहा है इधर। ये एक छोटा सा इन्होंने मतलब जो है वो स्विमिंग के लिए बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर गिरने का एहतमाल ना हो, एक्चुअली दोस्त नहीं है तो मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ और अकेला ही इधर आया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सामने कोस्ट गार्ड की गाड़ी खड़ी है, वो इन केस अगर कोई डूब जाए या वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाने दे रहे, इसीलिए देखिए यहाँ पे सेफ्टी सबसे मस्ट है।
ये हम आया नई जगह, ये जो है ये जहाज़ डूबा था करीबन 150 साल पहले। अब ये फेमस मतलब जो है ये टूरिस्ट जो है ये मतलब जो है वो स्पॉट बन गया है। ये जहाज़ जो है ये तिजारती काफले का जहाज़ था जो यहाँ पे डूब गया था, उसकी वजह से यहाँ पे लोग आते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोस्ट गार्ड ज़्यादा पास नहीं जाने देता, तो हम ये पानी को देख लेते हैं थोड़ा सा। और चूँकि वो जो है कोस्ट गार्ड उसके पास नहीं जाने दे रहा, चूँकि वो डीप है और शायद उसको यानी अब जो है वो प्रिजर्व करना चाह रहे हैं ताकि आइंदा लोग भी देख सकें, क्योंकि वो पोरस हो चुका होगा उसका मटीरियल। और ये हम हैं पानी को और मौसम को इंजॉय करते हुए। बहुत प्यारी जगह है, अगर लाजमी आना चाहिए और मस्ट विजिट प्लेसेस हैं जी। आएँ फैमिली के साथ आएँ, बहुत अच्छा माहौल है और इन्वायरमेंट है। और ये अब हम आए हैं शेख रासुल हमीद पे। ये शेख रासुल, यहाँ पे भी कुछ लोग आते हैं जो कचरा फेंक जाते हैं, मतलब इंसानी आदत है ये, जिबलत है लगता है, ये ख़त्म होने में टाइम लगेगा। तो ये है शेख रासुल हमीद, देख लें पानी की मतलब जो क्लैरिटी और खूबसूरती, तो मस्ट विज़िट मतलब जो प्लेसेस हैं। और इस तरह के बाकी वीडियोस भी हैं, लेकिन आपने लाइक करें चैनल को और लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।